हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग और स्वागत है आपका मेरी एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तो गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं अपने घर की। तो घर में यार हमने थोड़ी सी चेंजेस और करी हैं, मतलब यहाँ सामने की तरफ हमने यार फ़ोटोज़ लगा दी हैं और इस साइड में हमने मतलब राइट में भी लेफ्ट में सॉरी फ़ोटोज़ लगा दी हैं। और यार मतलब हर तरफ हमने थोड़ी थोड़ी करके फ़ोटो लगा दी है और यहाँ एक ही लगाई है। बाकी हमने यहाँ नीचे की तरफ टेराकोटा लगा रखा है जो कि भाई देखने में ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और बाकी हमने ऊपर की मैं डिज़ाइन दिखाता हूँ गाइस आपको, ऊपर भी हमने टेराकोटा से थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया। गाइस हमारे पास जितना टेराकोटा था हमने छत और नीचे लगा चुके हैं। और बाकी मैं गाइस आपको बाहर का सीन दिखा दूँ तो बाहर भाई हमने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करी है। यहाँ मतलब हॉर्सेस का बना दिया है दोनों तरफ, एक इस तरफ एक उस तरफ, जो कि मेरा और मेरे फ्रेंड का होगा। तो गाइस हमको मतलब हमारे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था क्योंकि डिज़ाइन हमारा थोड़ा ख़राब हो जाता मतलब घर देखने का सामने से। तो यार गाइस हमने ये सब कर दिया। बाकी मैं यार ये लेके आया था जहाँ से मतलब रेड होती है, तो उनका मैं ये पैनल उतार लाया था। बाकी चलते हैं हम अंदर और देखते हैं यार आज हमने बनाना क्या है। तो भाई हमने बनाना है एक टेबल जो मतलब हमारा सामान अपग्रेड कर देगा, 5% उसकी पावर बढ़ा देगा। तो मैं देखता हूँ उसकी रेसिपी क्या होता है और मैं टेबल का नाम देख लेता हूँ पहले। भाई एन्चेंटमेंट टेबल बोलते हैं जिसे। तो इसके लिए दो डायमंड ऑब्सीडियंट और एक बुक लगेगी। तो बुक तो हमारे पास पहले से है ही है, तो यार मैं देख लेता हूँ हमारे पास ऐसे ये सामान पड़ा होगा गाइस। तो मैं यार पहले सामान ढूंढूंगा अभी, तो देख लेता हूँ मेरे पास तो ऐसे एक ही बुक पड़ी है हाँ गाइस। तो यार मैं देखता हूँ इसमें सामान जो कि मेरे को मिल जाएगा। गाइस हमारे पास वो वाला सामान पड़ा हुआ है, ऑब्सीडियंस भी पड़ा है हमारे पास, डायमंड भी पड़ा है। बस मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा इन बॉक्सेज में कि ऑब्सीडियंस और डायमंड किधर है। तो मैं देख लेता हूँ यार सिंपली एक एक बॉक्स खोल के। तो यार मेरे को दो डायमंड तो मिल गए, ऑब्सीडियंस भी मिल गया इधर। तो इन दोनों को मतलब इन दोनों को अब चेंज करके हम बनाने वाले हैं एन्चेंटमेंट मैन। और बाकी मैं चेक कर लेता हूँ और इसमें कुछ तो है कि नहीं। तो गाइस हम चलते हैं अब क्राफ्टिंग टेबल पे अपने, और क्राफ्टिंग टेबल पे अपना बनाते हैं हम एन्चेंटमेंट मैन। तो यार इसको मैं देखता हूँ हाँ गाइस बनने वाला है अब एन्चेंटमेंट टेबल हमारा। तो भाई एन्चेंटमेंट टेबल हमने बना लिया है, तो मैं इस तरफ रखता हूँ। बाकी मैं इसके घर के अपने सोच रहा हूँ यहाँ बेड के सेंटर में रखूँ जो कि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो गाइस बाकी हम बाकी बॉक्स अभी चेंज भी कर देंगे गाइस, क्योंकि अभी हमने एक डिज़ाइन बनाना है और अच्छा सा जो कि देखने में अच्छा लगेगा। तो यार मैंने एन्चेंटमेंट टेबल रख दिया, तो यार से हम देख लेते हैं अब खोल के और बाकी चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या है। डायमंड की पिकेक्स पड़ी है गाइस मेरे पास, तो मैं इसे रख के देखता हूँ कि ये कौन से लेवल में कन्वर्ट होती है। तो यार रख तो दिया, पर इसके लिए हमें पड़ेगी लैपिस लजूली की ज़रूरत जो कि हमारे पास शायद अभी बॉक्सेस में हमें ढूंढनी पड़ेगी और हमारे पास हैगी वो। तो यार चल लेते हैं बॉक्स की तरफ और देख लेते हैं कहाँ पे पड़ी है वो। तो यार मैं चेक कर लेता हूँ सारे बॉक्स क्योंकि एक एक करके भाई बॉक्स का हमने सामान अभी सेट तरह रखा नहीं है, तो यार मुझे चेक करना पड़ता है सारे बॉक्सेस को। तो यार मैं चेक कर लेता हूँ एक बार अच्छी तरह कि कौन से बॉक्स में मेरे को मिलेगा। बाकी तो यहाँ 7 डायमंड्स भी हमारे पास अभी और पड़े हैं, तो यार इसका भी अभी तो जब हमें फ़ायदा लगेगा तब हम यूज़ कर लेंगे इन डायमंड्स को भी। बाकी तो मेरे को 19 लैपिस लजूली मिल चुके हैं। तो यार मैं चलता हूँ और देखता हूँ उधर एन्चेंटमेंट टेबल पे कि हमारी अब डायमंड की पिकेक्स किस में चेंज होगी। तो यार अब रखता हूँ मैं डायमंड की पिकेक्स और रखता हूँ जितने भी लजूलिस पड़े हैं। तो मेरे को तो लगता है दो में भी काम बन जाएगा इन लजूलिस का, तो यार मैं आधे निकाल लेता हूँ। तो भाई इसमें तो अभी मेरे को एक ही दे रहा है फर्स्ट लेवल जो कि दो लजूलिस में बन जाएगा हमारे लैपिस लजूली में। तो यार मैं मेरी डायमंड थोड़ी तैयार हो चुकी है, तो गाइज आपको देख ही रहे होगे तो आपको कैसी लग रही है। बाकी हमने सामने की तरफ फार्म बनाया था, तो यार मैं फार्म पहले दिखा देता हूँ गाइज आपको हमारा फार्म कि मैंने इस साइड में इसलिए फार्म बनाया कि हमारे को अगर खाने की कमी पड़े तो मतलब इसमें से निकाल लिया करेंगे और जिस टाइम हम विलेजर्स लाएंगे शायद से उनको ये काम दे सकते हैं हम। तो गाइस मैं पहले इसको बनाता हूँ, मारता हूँ यार ज़ॉम्बीज़ को। बाकी यार मेरे को स्केल्टन वहाँ से दूर से मार रहा है यार, पानी में है गए, इसको बाद में देखता हूँ। बाकी मैं अपने फ्रेंड को बुलाता हूँ, तो भाई मेरा फ्रेंड आ चुका है। तो यार मैं इसको देखता हूँ, भाई बड़ी देर से मेरे को मारी जा रहा है, डैमेज दे रहा है यार, इसने और डैमेज दे दिया। रुको इसकी मैं गेम करता हूँ पहले, तो भाई इसकी गेम होने वाली है। चलो इसकी गेम तो होगी, बाकी हमें तीर दे के गया तो इसका फ़ायदा हो गया, इसने हमारे हमको एरो दे दिया यार, हम यूज़ कर लेंगे। बाकी रास्ते में यार डट किसी ने लगा दी। तो यार चलते हैं हम अब देखते हैं अपनी पिकेक्स की पावर कि हमारी पिकेक्स कितनी पावर वाली है, मतलब इसकी अभी हमने चेंजेस अपग्रेड कराया तो इसको हम तोड़ के देखते हैं। बाकी इसको मैं हटाता हूँ, तो भाई पिकेक्स की पावर तो सही में ज़्यादा ही बढ़ चुकी है क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी मतलब सामान तोड़ दे रहा है। तो यार मैं थोड़ा सा उधर से आगे की तरफ से और तोड़ देता हूँ,
और देख लेते हैं बाकी की पावर और इससे देखने में भी कैसे। हमें अभी ये सामने वाला पहाड़ भी हटाना ही है, तो यार पिकेक्स को ज़रूरी है हमें क्या कहते अपग्रेड करने की। तो यार ये शायद से डट वो ग्रेवल है, तो ग्रेवल तो आपको पता ही है कि किससे हटेगी। तो यार मैं चलता हूँ आगे की तरफ और भाई यहाँ से भी थोड़ा तोड़ लेते हैं। तो गाइस हमें अभी और सामान चाहिए कलेक्ट करना है, बाकी तो मैंने यहाँ पेड़ लगाए थे यार, पेड़ ने तो भाई ज़्यादा ही कुछ जगह घेर लिया, पटोटोस को भी छुपा दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यार गाइस कितना मतलब जगह घेर रखी है। बाद में गाइस इस पेड़ को भी हटा देंगे हम, क्योंकि गाइस इसने मतलब हमारे पटैटोस छुपा रखे हैं। और यहाँ पे मतलब हमने एक फार्म बना रखा है यार, मेरे को इसका नाम नहीं आ रहा, पम्पकिन उगा रखा है यहाँ पे। तो यार एक तो उग गया, बाकी हमारे उगने बाकी हैं, बड़ी लेट उगते हैं यार पम्पकिंस। तो गाइस हम चल लेते हैं और भी देख लें हमारा सामान हमने क्या बनाना है। बाकी मैं डायमंड की पिकेक्स ले लेता हूँ पहले, मतलब पिकेक्स बोल रहा हूँ, स्वर्ड ले लेता हूँ भाई, जो कि देखने में डायमंड की पिकेक्स बड़ी ख़तरनाक है। तो यार चलते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं हम अपने घर में और हमारे पास सामान क्या क्या है और हमें सामान की किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। तो यार मैं चेक करता हूँ पहले, मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ गाइस और चलते हैं हम सीधा अपने घर में। तो भाई मेरा घर आते आते तो मेरे को लगता है ज़्यादा ही लंबा पड़ जाता है रास्ता, यार मैं धीरे धीरे पहुँचता हूँ। तो भाई हम पहले क्राफ्टिंग टेबल चेक करने से पहले एन्चेंटमेंट टेबल चेक करते हैं, जिसमें मैं देख लूँ भाई और क्या मेरा अपग्रेड हो चुका है। और बाकी यार इस पिक का यूज़ नहीं पता लग रहा मेरे को, बुक का यूज़ बताओ गाइस क्या किस में मतलब इसे बुक को यूज़ करते हैं, जो कि मेरी यूज़ नहीं हो रही। और एन्चेंटमेंट टेबल भी शायद से अभी एक्टिव नहीं है गाइस, इसका मेरे को सीन नहीं समझ आता यार एक्टिव कब होता है। तो यार मेरे को कमेंट में बताओ यार एक्टिव कब होता है, कितना टाइम इसे लगता है एक्टिव होने में। तो बाकी तो मैं सामान ले लेता हूँ अपना जो जो मेरे पास है और मैं चेक कर लेता हूँ मेरे को और सामान क्या क्या लगेगा। तो यार चलते हैं आप क्राफ्टिंग टेबल की तरफ और देखते हैं भाई अपना सामान, हमारे पास सामान क्या क्या है और क्या क्या हमें बनाना है अभी। तो यार मेरे पास ये फालतू का एक तो सामान पड़ा हुआ है, इसको भी हम यार एक कोने पर रख देते हैं पहले। मेरे पास जितना सामान है मैं एक कोने में इसे रख देता हूँ अभी, जब हम विलेजर्स लाएंगे तो उन्हें दे देंगे यार, वो अपने काम में यूज़ इन्हें कर लेंगे, क्योंकि गाइस हमारे अभी शायद से कोई काम के यूज़ के नहीं है ये, और मेरे को अभी पता भी नहीं है किस यूज़ के काम आते हैं। तो गाइस चलते हैं हम सीधा अपने घर से बाहर और लेते हैं यार अपने घोड़े, क्योंकि गाइस हमें जाना है अभी शुगर कलेक्ट करने, क्योंकि हमें एक बनाना है बुक स्टोर, क्योंकि आपको पता है एक बुक वो बनाने में हमारी अपग्रेड जो पावर है एन्चेंटमेंट टेबल के ऊपर रखेंगे तो हमारी पावर बढ़ेगी। तो यार हमें काफ़ी सारी बुक मतलब यार मेरे को पता ही नहीं लग रहा, बुक टेबल बनाना है, सॉरी गाइस बुक टेबल बनाना है, जिससे भाई हमारा वो ज़्यादा ही पावर हमारे इनकी पिकेक्स और स्वॉर्ड्स की बढ़ने लग जाएगी। तो यार चलते हैं घोड़ा लेके, बाकी मैं देखता हूँ यार मेरे फ्रेंड ने हॉर्स अपना निकाल लिया है कि नहीं। तो यार वो अभी निकालने में लगा हुआ है अपना हॉर्स, तो बाकी तो यार इसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यार मैं एक बार उसके पास होके आता हूँ और देखता हूँ भाई क्या बात है। तो यार चलते हैं उसकी तरफ और मेरे को लग रहा है निकाल लेगा, बाकी तो भाई इसका पता ही नहीं लग रहा, मैं दरवाज़ा गेट खोल देता हूँ। तो भाई रुको ये वेट कर रहे हैं, हाँ गाइज उसने निकाल लिया अपना हॉर्स। तो गाइज अब चलते हैं हम सामने की तरफ अपने घर से बाहर, कलेक्ट करते हैं अपना शुगर। तो भाई मैं यहाँ से पहले घोड़ा निकालूँ अपना हॉर्स, बाकी मेरा फ्रेंड कहाँ रह गया यार, फ्रेंड को मेरे पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा लेट आ रहा है और वो कह रहा है यार उसका घोड़ा थोड़ा हॉर्स है जो स्लो चल रहा है। तो भाई सही में उसका हॉर्स स्लो चल रहा है, बाकी मेरा एक हॉर्स एक और निकल गया उसका एक हॉर्स। तो भाई हम चलते हैं बाहर और गाइस मेरे दोस्त का जो हॉर्स है वो बाहर नहीं आ रहा, मतलब इसका सर उस पर लग रहा है ऊपर डट उस पर, मतलब डट नहीं कहते इसे गाइस, इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा वैसे। चलो गाइस इसे मैं पहले तोड़ता हूँ अपने इससे पिकेक्स के और अपने फ्रेंड को मैं निकालता हूँ बाहर और दरवाज़ा करता हूँ यहाँ से बंद, बाकी ज़ोंबी ज़ोंबी ना आ जाए कुछ ख़राब कर दें हमारे घर में। तो यार अब चलते हैं हम बाहर, देखते हैं किस तरफ हमें मिलने वाला है ग्रेवल। तो निकलते हैं गाइस इधर से हम। तो भाई हम चलते चलते आगे हैं, मेरे को आगे की तरफ दिखी है ग्रेवल, जो कि ग्रेवल बोल रहा हूँ गाइस वो उसे क्या कहते हैं शुगर, जो कि मैं सोच रहा हूँ कलेक्ट कर लूँ, बाकी इसका मैं कंट्रोल अभी हटाता हूँ और चलते हैं हम पानी की तरफ टहलते टहलते। तो यार मैं निकलता हूँ आगे की तरफ, इसे मैं तोड़ लेता हूँ, बाकी मेरे को अभी बहुत ही दूर आके ये मिली है गाइस, जो कि मेरे को यार मैंने सोचा था पास कहीं मिल जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, बाकी तो ये बहुत कम मिलती है गाइस और मेरे फ्रेंड को थोड़ी बहुत मिली है। तो यार हम चलते हैं और देख लेते हैं आगे यार कि और गाइस पड़ी होगी कि नहीं, तो मुझे नहीं लगता यार गाइस इधर पे भी है कि नहीं, और मेरे को यार नीचे की तरफ भी दिख रहा है कुछ शुगर जैसा, गाइस ये शुगर ही है मेरे को लग रहा है शुगर है, तो मैं इसे एक बार कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस ये शायद से कलेक्ट नहीं हो रही है, तो मैं एक बार दोबारा करता हूँ कलेक्ट करने की कोशिश कि ये कलेक्ट होती है कि नहीं गाइस।
ये मतलब गाइस कलेक्ट नहीं हो रही है, तो यार मैं इधर से निकल ही लेता हूँ इससे अच्छा, क्योंकि गाइस ये कलेक्ट तो होने से कोई फ़ायदा नहीं है इसे तोड़ने का। मतलब अब ये निकलते कहाँ हैं है आगे शुगर की तरफ कैन? और अपना घोड़ा ढूंढते हैं। हॉर्स हमारा कहाँ गया? स्लो हो रहा थोड़ा सा। बाकी तो मेरे पास 6 हो चुके हैं शुगर इकट्ठे, तो यार मैं देखता हूँ यार मेरा हॉर्स यहाँ इतनी दूर आ चुका है यार, कहाँ घूमता रहता है गाइस ये। तो यार इसे मैं निकालता हूँ भाई, रुक जा यार रुक। तो यार गाइस ये रुक भी, चलो ये रुक रुक गया फाइनली। तो यार इसका हम कंट्रोल लेते हैं अपने हाथों में और चलते हैं अपने घर की तरफ। और गाइस मैं सोच रहा हूँ यार घर क्या इंटरेस्टिंग जाना, मिलेगा। हमें ढूंढनी है पहले ग्रेवल। ग्रेवल यार गाइस मेरे को इसका नाम भूल चुका हूँ मैं, सैंड। गाइस मेरे इसे को भी यार सैंड थोड़ी सी बोलते शुगर हैं। मिले। तो यार हम पहले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं सैंड। और मेरे को पता है यार सैंड पे मतलब ये शुगर उगती है, तो यार मैं सोच रहा हूँ एक शुगर शुगर वो फार्म बनाने बना के लिए क्या लेता हूँ चाहिए फार्म, फार्म? जिससे मेरी शुगर कलेक्ट होती रहेगी, मतलब उगती रहेगी, और हमें फ़ायदा होता रहेगा और हमें ढूंढने नहीं जाना सैंड तो पड़ेगा लाया था इसे। मैं कम से कम बाकी तो सो। मैं इसका एक बड़ा सा एक और बनाऊंगा यार फार्म, जो कि अपने आप ही कलेक्ट होके हमारे पास आता रहेगा। बस सैंड चाहिए और कुछ नहीं बाकी मैं इसे कलेक्ट करता हूँ धीरे धीरे करके सारा ये सैंड, क्योंकि बस। हमें अभी ज़्यादा से ज़्यादा की ज़रूरत है सैंड की। चल फिर तो बनाते भाई हैं आधा, यहाँ आ चुका है चला पानी मैं यार, घर ये को आ रहा। पानी ठीक का है तो गलत सीन हो जाता है गाइस इधर। तो भाई मैं पहले इसे कलेक्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ लेता हूँ इसे। ये और घोड़ा मैंने मस्त ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ लिया गाइस होगा। से, अब मैं निकलता हूँ ऊपर की तरफ। बाकी मेरे को निकलने के लिए सहज से अभी डर्ट लगानी पड़ेगी एक। तो गाइस रुको, मैं पहले ऊपर चला जाता हूँ। तो यार ऊपर मैं लगाता हूँ डर्ट और जाता हूँ अपने घोड़े के पास। तो यार चलो यार हॉर्स के पास मैं आ ही चुका हूँ भाई। हॉर्स रुक जा रुक जा रुक जा। तो यार हॉर्स पे आ चुका हूँ, अब देते हैं अपना कंट्रोल अपने हाथों में, क्योंकि अगर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है नहीं, पर घोड़े का कौन सा लाइसेंस होता है। तो हम चलते हैं, तो भाई ये धीरे धीरे करते हैं अपने घर पे हम पहुंच चुके हैं। बाकी यार अभी हम घोड़ा अपना रखते हैं, फिर देखते हैं हमारा हमें फार्म कहाँ बनाना है अपना शुगर वाला। तो यार मेरा फ्रेंड भी अपना कलेक्ट करके ले आया है शुगर, जो थोड़ा मोटा उसे भी मिला है। बाकी हमें शुगर ज़्यादा नहीं मिला गाइस, तो मतलब बहुत ढूंढा यार हमने, पर हमें शुगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिला। तो यार मैं सामान रख लेता हूँ अपना, और बाकी ये मैं रख लेता हूँ हॉर्स आर्मर, क्योंकि इसे भी ज़रूरत है अभी। बाकी मैं यार इन्हें खाना खिलाता हूँ, इन्हें खाना क्यों नहीं खाते मुझे समझ नहीं आता यार। तो यार अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ और देखते हैं बेकार। बाकी क्या क्या बचा है। तो यार हम आ चुके हैं बाहर घर से, और यहाँ देखें यार हमने कहाँ लगाना है अपना फार्म, मतलब फार्म कहाँ बनाना है। बाकी तो रात हो चुकी है, तो हम चलते हैं पहले घर और सोते हैं घर में, क्योंकि आपको बताया ज़ोंबीस रात में बहुत आते हैं और वो मतलब यार डैमेज दे देंगे हमें। तो यार हम चलते हैं अपने घर में। बाकी भाई हो चुकी है सुबह, और चलते हैं अब बाहर, हम तैयार करते हैं अपना फार्म, जो कि अब बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। तो यार ये मतलब स्केल्टन जल रहा है यार, स्केल्टन को पहले मैं मारता हूँ अपने डायमंड स्वर्ड से। तो क्या भाई रुक जाओ इसके मैंने दिए एक में ही यार ये चला गया, मतलब इसको ना यार पहले से ही डैमेज था, इस करके एक में ही मर गया। तो यार चलते हैं हम बाहर और अपना हाँ, देखते वो हैं भी हम खत्म शुगर हो फार्म गया। हमें कहाँ बनाना है। तो यार मैं सोच रहा हूँ यहाँ अपने घर के सामने बना लूँ। बाकी यार मैं ये सैंड स्टोन नहीं, यार सैंड ही बनाना है मेरे को। तो मैं सारी पहले अपनी सैंड ले लेता हूँ ऊपर से, नहीं तो पता लगे यार इसका सैंड स्टोन बन जाए तो हमारा ये सैंड वेस्ट हो जाएगा सारा, तो मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। तो यार मैं सोच रहा हूँ इधर की तरफ अपना ये बना लूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ, रुको ओ गाइस देखता स्नोरर हूँ ओके, कैसा लगेगा ये। तो मुझे गाइस कुछ खास नहीं लग रहा है ये देख ज़्यादा मेरे पास ज़्यादा, है, और मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि आगे की ये देख तरफ अभी भाई देखिए बना ले, मेरे तो पास मैं है। देख लेता हूँ एक बारी। और बाकी मेरे दोस्त ने एक क्रैकर बनाया है, जो कि भाई बड़े ख़तरनाक लग रहे हैं यार, इसे बाद में देखा मैं भी बनाऊंगा और इसे फोड़ूंगा यार। मैं ट्राई दूसरा बोलता हूँ अपने दोस्तों ये की, एक और भाई भाई मैंने फोड़ के सोचा नया दिखा। बनाए, मुझे तो बड़ा इसके लिए चाहिए खतरनाक होता लग है रहा एक है यार, फायर, ये मतलब बड़ा तीन चीजें मस्त चाहिए होती है, एक बनाया फायर रखा है चाहिए इन्होंने होता है, एक फायर माइनक्राफ्ट बनी वालों ने। वर्क। तो यार यार एक और फोड़ के दिखाएगा भाई अब। ऐसे होता है एक और तो चीज चाहिए यार होती है। देख ट्राई 1 2 3, भाई फोड़ चुका है भाई ने, एक और फोड़ दिया आतिशबाजी तो जो जाके ऊपर फोड़ चुका है। तो यार मैं देखता हूँ अपना ये सैंड, जो कि मेरे को कैसे बनाना है। बाकी यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बाकी ये मैं छोड़ दे, सोच रहा हूँ तोड़ देता हूँ गाइस अभी, और मैं बनाता हूँ ये अपने देख उनके इसके साथ बराबर ज्वाइन बना। करके थोड़ा, जो कि अच्छा लगेगा उनके साथ मेरे को, क्योंकि गाइस उधर से थोड़ा अभी कवर भी करना है मैंने, जो कवर नहीं करा है, क्योंकि इसमें जॉम्बीज आपको पता है घूमते रहते हाँ हैं। इधर से तो बना, अभी मेरे को कवर मेरा यहाँ थोड़ी काम आ डर्ट रहा है, लगे अभी ना उस चीज पेंडिंग कवर पड़ा में, हुआ मेरे पास सैंड, यहाँ क्योंकि अभी काट गाइस दे लेके आने पड़ेंगे मुझे सैंड। पे तो शॉवल यार मार मैं इधर से कर दूंगा देता हूँ इसे सारा कवर, मेरे को यहाँ से सात सात लगाने हैं, 7 7, जिससे हो जाएगा कवर। और मैं थोड़े से अलग ही दिखाऊंगा गाइस, क्योंकि इसको अलग दिखाऊंगा जब इसका पता लगेगा, क्योंकि ये शुगर फार्म है। तो यार मैं 3 लाइन बना लेता हूँ इन चीज़ों की, और अपने फ्रेंड को बोल देता हूँ भाई जा तू लेके आ जा पानी, क्योंकि हमें पानी के भी पता है आपको गाइस ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ओके। यार मैंने आपको देख ही रहे होगे पिंक वुड लगा दिया, और मैं सोच रहा हूँ नीचे की तरफ से खोद के, मतलब यार नीचे खोद लूँ और इसमें लगा दूँ यहाँ पे भी सैंड, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा।
तो यार मैं इसे सबको कर देता हूँ, हटा देता हूँ इस सारी डेटा को। तो गाइस आप देख ही सकते हो कि ये कैसा लग रहा है हमारा बनाया हुआ। तो यार इसमें अभी पानी डालना है, बाकी मैं शुगर लगा के देख लेता हूँ शुगर लगती है गाइस कि नहीं इसमें। तो गाइस इसमें शुगर तो यार अभी लग नहीं रही, शायद से इसमें पानी की प्रॉब्लम है। तो इसमें जब पानी डल जाएगा तो हम देखते हैं वापस। तो गाइस इसमें पानी तो डल चुका है, अब देखते हैं। इधर मेरे से गलती से दो लग गए, इसमें काटता हूँ पहले। अब लगाता हूँ मैं आगे की तरफ एक और। तो भाई हम ऐसे ही लगाते हुए आगे चले जाते हैं, बाकी चल देते हैं अभी घर और मैं बाद में आकर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस हो चुके हैं सवेरे, मॉर्निंग हो चुकी है हमारी। तो अब मैं चल के दिखाता हूँ आपको बाहर की तरफ। बाकी यहाँ से एक आइस गायब हो रखी है, तो मैं अपने फ्रेंड को बोल देता हूँ यहाँ लगा देगा ला के। तो यार देखते हैं हम। तो भाई हमारा फार्म जो था हमारा तैयार हो चुका है, बाकी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है उगना। तो यार तैयार तो हो चुका है, पानी भी भर चुके हैं हमारे पास, जितनी थी मतलब ये शुगर उतनी हम लगा चुके हैं। तो यार नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे हम एक बुक बना के, जो मतलब बुक टेबल बनाना है हमने, वो आपको बना के दिखाएंगे, क्योंकि हमारे सामान अभी और ज़्यादा अपग्रेड होने हैं, जो कि हमें बहुत ज़रूरत है यार अपग्रेड की, मतलब अपने सामान के अपग्रेड की। तो गाइस मिलते हैं हम अगली वीडियो पे। आपने अगर सब्सक्राइब मेरा चैनल ना कराओ तो भाई सब्सक्राइब कर देना, और लाइक और डिसलाइक दोनों में से कुछ भी करके गाइस चले जाना, और कमेंट करना गाइस ना भूलना। अगर कोई मेरी वीडियो में मतलब किसी को वीडियो नहीं अच्छी लगती तो गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कि मैं उसे सुधारने की थोड़ी कोशिश करूँगा यार। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।